नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी फराज की, जो आप जानते हो कि फ्राइडे को ही रिलीज हुआ है। तो हंसल मेहता का ये फिल्म कैसा रहा, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है इस पर्टिकुलर वीडियो से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हंसल मेहता जितने भी काम वो करते हैं दोज आर बेसिकली बेस्ड ऑन दी यू नो द रियल लाइफ इंसिडेंट्स। तो इस बार भी जिस घटना के ऊपर वो फिल्म बनाए हैं वो है बेसिकली बांग्लादेश में हुई एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा, जो काफ़ी साल पुराना एक किस्सा है, जहाँ पे गुलशन जो बांग्लादेश का ढाका में एक बहुत ही पॉश एक एरिया है, वहाँ पे एक क्लब के अंदर में जाके एक साथ बहुत सारे मासूमों को हत्या कर दिया गया था। तो उसी कहानी के ऊपर बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि फिल्म जो है बनाई गई है, जहाँ पे एक लड़का जो है वो ही स्टूड टॉल अमंग ऑल दी अगेंस्ट ऑल दी टेररिस्ट, जिसका नाम है फराज, जो बेसिकली बांग्लादेश के काफ़ी एलिट एक फैमिली से बिलोंग करता है। और उसका जो फाइट है वो कैसा रहा, क्या वो लोगों को बचाने में समर्थ हुए, क्या वो खुद बच सके, उसके ऊपर बेसिकली ये कहानी है। तो देखिए, बहुत ही कहानी तो बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही दर्दनाक एक घटना है जो आज भी शायद उस परिवार को कुरेद रहे होंगे, जो शायद आज भी किसी को लॉस किया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे। तो अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म में देखिए जो थिंग जो मुझे अच्छा लगा है वो देखिए, हंसल मेहता का कोई भी चीज़ जो होता है वो ओवर द टॉप नहीं होती है, उसको बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत ही आप रियलिस्टिक तरीके से रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी जो फिल्म जो बनाई गई है वो काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाई गई है। फिल्म की लेंथ जो है महज आपका पौने दो घंटे की है, जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कोई अननेसेसरी सीन्स वगैरह या फिर कोई अलग सा कोई सब प्लॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो अच्छी बात है। कुछ डायलॉग्स जो है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, जो फराज अपने जो है आदित्य रावल को जो कहते हुए आप ऑलरेडी ट्रेलर में भी उसको आपने सुने होंगे, तो बेसिकली वो डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो आदित्य रावल का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगा इस फिल्म के अंदर में। अब अगर मैं बात करूँ इस फिल्म से लेने वाली सीख की, तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग अपने बच्चों को जो है फॉरेन भेजना चाहते हैं, उसको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो इस फिल्म के अंत में ये भी चीज़ जो दर्शाया गया है कि देखिए, अगर आप अपने मातृभूमि को अपने देश को अगर प्यार करते हो तो शायद बहुत कुछ जो है आपके लिए यहाँ पे भी छुपा हुआ है। आपने अपना देश का नाम यहाँ पे रह के भी आप रोशन कर सकते हो, इसके लिए बाहर जाके बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो ये फिल्म जो है उसको भी दर्शाता है। तो ये मैसेज जो है वो काफ़ी बढ़िया इसके अंदर में दी गई है। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो देखिए, मुझे ये जो चीज़ जो है, ये जो घटना है, डेफिनेटली बहुत ही बेहद दर्दनाक घटनाएँ हैं, बहुत ही दुख भरी घटना है, लेकिन इसका जो रिपरकेशन है इंटरनेशनल लेवल में, ये घटना की जो मतलब इसके बाद जो मतलब इतने सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है या फिर इंटरनेशनल सारे सिटीजन्स जो है उनका जो हत्या हो गई है, उसका रिपरकेशन, उसको जब होस्टेज बनाया गया उसका जो रिपरकेशन, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही शटल तरीके से दिखाया गया है। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा कि इसके अंदर में जितने भी किरदार है, जैसे कि फराज का मान लीजिए, चलिए ये सारे जो जितने भी पांच जो ऐसे टेररिस्ट थे उनका तो कोई ऐसा कोई फैमिली उसके मतलब बॉडी को भी क्लेम अनक्लेम रह गया, ये हम लोगों ने आखिर में क्रेडिट में हम लोग जान पाए। तो इन लोगों का तो चलिए ठीक है, उन लोगों का तो उतना पता नहीं चल सकता, लेकिन फराज का कैरेक्टर को भी थोड़ा बिल्डअप करना, उसके साथ हमारे इमोशनल अटैचमेंट बनाना वो ज़रूरी था, जो यहाँ पर कम्प्लीटली मिसिंग है। फराज के साथ हम लोगों का अटैचमेंट तब बनता है जब वो हॉस्टेज हो चुका है, और हॉस्टेज होने के बाद उससे पहले का जो सिचुएशन है, उसका लाइफ है क्या है नहीं है, सिर्फ एक ही सीन के अंदर में दिखाया गया। शायद फिल्म का लेंथ और अगर 15-20 मिनट बड़ा भी होता, फराज के साथ हम लोगों का अगर पहचान अलग तरीके से करवाया जाता और फराज के साथ हम लोग अगर इमोशनल अटैचमेंट और भी बड़ा होता, तो शायद फिल्म के आखिर में जगह फराज के जो कारनामे है, जो फराज के इस कारण से फराज को जाना जाता है, तो लोग उस किरदार के साथ और अटैच्ड हो जाते और भी उसके साथ मतलब आप बोल सकते उस पेन को उस चीज़ को वो फील कर सकते थे। तो यहाँ पे वो वाला चीज़ जो है मिसिंग है। यहाँ पे जो द ओनली साइड जो दिखाया गया कि पेरेंट्स का जो एंगल दिखाया गया, तो वहाँ पे बहुत सारे होस्टेजेस थे, काफ़ी मतलब 20-25 होस्टेजेस तो मुझे फिल्म के अंदर में ही दिखाई दिए। तो उनके परिवार, उनके फैमिली, उनका जो इन्वॉल्वमेंट, वो सारा चीज़ जो है काफ़ी लिमिटेड है और काफ़ी मतलब आप बोल सके सीमित है। और साथ ही में इसका मान लीजिए पुलिस का जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी मुझे थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का लगा, जहाँ पे आर्मी आ गया
गए और आर्मी आने के बाद वो नेगोशिएट करने की कोशिश किए, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब चीज़ को और भी एलेबोरेटली और भी डिटेलिंग के साथ मेरे हिसाब से दिखाना ज़रूरी था। तो शायद इससे फिल्म का लेंथ जो है वो लेंथ थोड़ा बढ़ता, लेकिन फिल्म में थोड़ा जो है वो ड्रामेटिक चीज़ें जो है वो दिखाना ज़रूरी था। देखिए, फिल्म आप मैसेज के लिए बना रहे हो, एक ट्रिब्यूट के तहत बना रहे हो, आप फराज के मेमोरियल्स में बना रहे हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन अंत में दर्शक जो जाते हैं वो फिल्म से सीख जैसे लेते हैं, फिल्म को एंजॉय भी करना चाहते हैं, एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो वो पोर्शन इस फिल्म में मुझे जितना दूर लगा कि वो मिसिंग है। बाकी तो देखिए टेक्निकली सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बढ़िया है, फिल्म का म्यूज़िक का इस्तेमाल लगभग नहीं है, तो बैकग्राउंड स्कोर जितने भी है वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक ठाक ही लग रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो जैसे कि गुलशन क्लब को जिस तरीके से ढाका को रिक्रिएट की गई है, जहाँ पे ये सब शूटिंग वगैरह हुआ है, वो काफ़ी रियलिस्टिक से ही लग रहा है। तो बेसिकली यही था मेरा फराज मूवी का रिव्यू। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो, तब तक के लिए अलविदा।